हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 29th of September 2020। तो 29 सितंबर 2020 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, पूरे नोट्स जो है हिंदू PIP एक्सप्रेस के वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वेबसाइट का नाम है temsias.com। वेबसाइट में यहाँ पर लिख देता हूँ temsias.com। प्लीज़ डू शेयर द कंटेंट, डू शेयर द वेबसाइट एंड डू कंटेंट फ्रॉम देयर। पूरी नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाया करेगी, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज आर अवॉर्डेड एनुअली टू रिकोगनाइज द आउटस्टैंडिंग वर्क इन। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इनमें से किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन आर ए लिटरेचर, बी इज स्पोर्ट्स एंड गेम्स, थर्ड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या डी डिजास्टर मैनेजमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सब बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर टू इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट डिफाइंस वर्कर्स टू इंक्लूड ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन अ वर्क स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल टेक्निकल ऑपरेशनल क्लरिकल कैपेसिटी सुपरवाइजरी स्टाफ ड्राइंग अप टू 18,000 पर मंथ अ सैलरी। दूसरा है, एनी एस्टैब्लिशमेंट दैट एम्प्लॉयज 100 और मोर वर्कर्स मस्ट प्रिपेयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स, आवर्स ऑफ वर्क्स, हॉलीडे, शिफ्ट अटेंडेंस एक्सेट्रा। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है आपको बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, नगोर्नो कराबाख रीजन समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन। नगोर्नो कराबाख रीजन जो न्यूज़ में रहता है वो किसका कन्फ्लिक्ट है? ऑप्शन आर, फर्स्ट इज सीरिया, सेकेंड इज इज़राइल, थर्ड इज़ अजरबैजान, फोर्थ इज़ पैलेस्टीन, फिफ्थ इज़ आर्मेनिया। तो आपको बताना है किसके किसके बीच कन्फ्लिक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों का, 3, 4, 5, 3, 5 या 2, 3, 5। सो नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो था शांति स्वरूप भटनागर, वेरी इजी क्वेश्चन, द आंसर फॉर दैट विल बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, IR कोड के बारे में पूछा था। तो पहला स्टेटमेंट तो देखो उसमें सही है, क्योंकि मैंने आपको कल भी डेफिनेशन बताई थी इसकी, तो उसमें मैंने ही बताया था आपको कि स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल टेक्निकल ऑपरेशनल कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो कि मिनिमम 18,000 सैलरी उठा रहा है पर मंथ की, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट जरूर इसमें गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो 100 की है ये 100 नहीं हो गया, ये 300 हो गया है। 100 2019 के बिल में था, लेकिन जो फाइनल जो कोड पास हुआ है वो 300 के साथ पास हुआ है। तो मिनिमम 300 लोग होने चाहिए किसी एस्टैब्लिशमेंट में, तब उसके स्टैंडिंग ऑर्डर या ये सब प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपसे, थर्ड क्वेश्चन पूछा कि नगोर्नो काराबाख रीजन कौन से रीजन्स के बीच का डिस्प्यूट है। याद रखिएगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया का डिस्प्यूट है, 3 और 5 के बीच का, अजरबैजान और आर्मेनिया का डिस्प्यूट है 3 और 5। अब कल का जो द हिंदू है उसमें एक न्यूज़ छूट गई थी, मैं कल थोड़ा जल्दी में था इसलिए शायद एक न्यूज़ छूट गई थी, बट आई विल कवर दैट न्यूज़ आइटम अगेन टुडे। तो आज मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ। वो न्यूज़ थी, इनविजिबल किलर थ्रेटन्स द कंट्री सैंडलवुड फॉरेस्ट। ये मैं नोट्स में ज़रूर मैंने अवेलेबल कराया है, कल के जो द हिंदू के नोट्स हैं देखो ये पूरे, तो वहाँ पर अवेलेबल ज़रूर है ये, लेकिन कल मैंने न्यूज़ में आपको नहीं बताया था, तो आज मैं इसको कवर कर देता हूँ। इनविजिबल किलर थ्रेटन्स कंट्री सैंडलवुड फॉरेस्ट। तो इंडिया सैंडलवुड जो कि कंट्री के प्राइड माने जाते हैं, सैंडलवुड ट्रीज चंदन के पेड़ होते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड द प्राइड ऑफ इंडिया स्पेशली कर्नाटका, कर्नाटका रीजन में है, एंड दे आर फेसिंग अ सीवियर थ्रेट फ्रॉम द रिटर्न ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव डिसीज नोन एज सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, SSD। याद रखिएगा, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, SSD क्या है? सैंडलवुड स्पाइक डिसीज। तो ये सैंडलवुड को स्पेशली कर्नाटका रीजन में ये फैला हुआ है, ठीक है ना, एंड दिस इज अफेक्टिंग देयर। Presently there is no option, इसका कोई अभी कोई इलाज नहीं है। Presently no option is left but to cut down the and remove the infected tree to prevent the spread of the disease caused by the phytoplasma। अब ये phytoplasma के कारण होता है, यानी कि bacterial parasite of plant tissues, जो bacterial parasites होते हैं plant tissues में affect करते हैं, phytoplasmas के कारण होता है, and they are transmitted by insect vectors। ये insect vectors के through transmit भी होते हैं। अभी कोई इसका इलाज नहीं है, बट यू हैव टू कट द ट्री ओनली, आपको पेड़ ही काटना पड़ेगा, वही इसका इलाज है, एंड यू हैव टू रिमूव द इन्फेक्टेड ट्री, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द फाइटोप्लाज्मा, दैट इज़ बैक्टीरियल पैरासाइट ऑफ द प्लांट टिश्यू। सबसे पहली बार ये जो डिसीज़ थी, ये कोडागू जो डिस्ट्रिक्ट है 1899 में पाई गई थी कोडागू में, एंड मोर देन अ मिलियन सैंडलवुड ट्रीज आर रिमूव्ड इन द कोडागू एंड मैसूर रीजन। तो कोडागू और मैसूर रीजन में
1903 से 1916 के बीच में लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा सैंडलवुड ट्रीज़ को हटाना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। एंड 1907 में 10,000 की इनाम भी घोषित किया गया था एज अ रिवॉर्ड कि अगर आप इसका कोई इलाज ढूंढ लेते हो तो इसका आपको 10,000 का इनाम मिलेगा। लेकिन आज तक मुझे लगता है कोई ऐसा इलाज नहीं है, अभी भी इसका पेड़ को काटना ही पड़ता है। सो दैट इज़ द सैंडलवुड ट्री, ठीक है ना। अब एक और न्यूज़ जो मैं आपको नगोर्नो काराबाख मैंने आपसे पूछा तो वो याद रखेगा आर्मेनिया अजरबैजान कन्फ्लिक्ट के कारण न्यूज़ में था। तो याद रखेगा ये जो रीजन है द टेरिटोरियल डिस्प्यूट रीजन है बिटवीन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये भी कल के न्यूज़ में हिंदू में नहीं अवेलेबल था, आज हिंदू में ये ज़रूर आया है। तो ये आज की ही न्यूज़ है, हिंदू में आई है। आर्मेनिया अजरबैजान कन्फ्लिक्ट क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज रिसेंटली टेरिटोरियल डिस्प्यूट आ गए थे आर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर नगोर्नो काराबाख रीजन में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों पार्ट किसके हैं, ट्रांस कॉकेशिया के पार्ट हैं, साउथ कॉकेशिया के पार्ट हैं। एंड कॉकेशिया का इट्स जियोग्राफिकल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ सदर्न कॉकेसस माउंटेन, सदर्न कॉकेसस माउंटेन के पास के रीजन है ना, इसको याद रखिएगा। रीजंस क्या है डिस्प्यूट के, टेरिटोरियल रीजंस है, सिंपल सी बात है। नगोर्नो काराबाख रीजन में क्या है, पॉपुलेशन जो है एथनिकली आर्मेनियन है, पॉपुलेशन वहाँ पे एथनिकली आर्मेनियन है, लेकिन कंट्रोल जो लैंड है वो अजरबैजान का पार्ट घोषित है। याद रखिएगा इसमें रहते ज़्यादा आर्मेनिया के लोग हैं। सिंपल सा डिस्प्यूट ये है कि ये एथनिकली तो आर्मेनियन है लेकिन अभी भी ये अजरबैजान का पार्ट है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1994-95 के आसपास यहाँ पे एक 1991 में इसमें एक वो हुआ था, मैं आपको बताता हूँ अभी इसके बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है ये आर्मेनिया अजरबैजान के बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू कंट्रीज, अजरबैजान आर्मेनिया, नगोर्नो काराबाख रीजन। और रीज़न क्या था, क्योंकि ये एथनिकली तो ये आर्मेनियन है लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछे कि ये कहाँ लाई करता है तो ये अजरबैजान में लाई करता है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे है असम्स ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर पासेस अवे, असम की एकमात्र वुमेन चीफ मिनिस्टर जो थी उनका देहांत हो गया है, सायदा अनवारा तैमूर असम की ओनली चीफ मिनिस्टर है, शी हैज़ पास्ड अवे इन ऑस्ट्रेलिया ऑन मंडे, ठीक है ना। शी वॉज 84 एंड बाकी चीज़ हमको नहीं जानना, लेकिन याद रखेगा शी वॉज असम्स ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर सैयदा अनवारा तैमूर, तो याद इनका नाम याद रखिएगा। UPSC reluctant to postpone civil services exam due on October 4, तो आप सबका एग्ज़ाम है ये October 4 को। UPSC ने कल उसमें ये बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इट इज़ impossible to delay the exam any further because it will nullify the objective of holding them। तो सिंपल सी बात UPSC ने कही कि फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसको होल्ड करने का अगर हम इससे ज़्यादा डिले किए तो। सो therefore they are not ready to एनी फर्दर, लेकिन अभी भी 30 तारीख को फाइनल, मुझे लगता है 30 तारीख को ही जजमेंट आएगा। 30 तारीख को एक और एफिडेविट देना पड़ेगा UPSC को भी कि क्या रीजंस है कि उनको नहीं डिले किया जा सकता, व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉट डिलेइंग द एग्जामिनेशन UPSC का, तो ये पूछा गया, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। स्टेजेस सेट फॉर NSD's फर्स्ट प्ले सिंस लॉकडाउन के बाद अपना पहला प्ले करेगा NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब NSD के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, NSD जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, थिएटर ट्रेनिंग स्कूल है और एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बना कब था ये, तो बना था ये आपका 1959 में, ये बना था 1959 में बाय द संगीत नाटक अकेडमी द्वारा बनाया गया था एंड इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्कूल इन 1975। 1975 में ये इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया 1975 में। इन 2005 इट वॉज ग्रांडेड अ डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस ऑल्सो, 2005 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया, 2011 में लेकिन उसको रिवोक कर लिया गया। अभी प्रेजेंटली परेश रावल जो है इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, याद रखिएगा। NSD थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में सिचुएटेड है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एंड 1950 संगीत नाटक एकेडमी और इंडिपेंडेंट बनाई है 1975 में। 2005 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया, 2011 में इसको रिवोक कर लिया गया। परेश रावल इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट्स याद रखेगा, दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द NSD। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग NSD एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो पहले मैं आपको न्यूज़ वाला पार्ट बता देता हूँ, एडिटोरियल्स
चलो मैं एडिटोरियल भी बता देता हूँ पहले। एक एडिटोरियल है टू स्पीचेस। टू स्पीचेस मतलब कि ये यूएन का जो 75th कमेमोरेशन ईयर था, आप सबको पता है कि यूएन कब बना? यूएन बना आपका 1945 में, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 में यूएन फाइनली बनता है। अभी 2020 में इसके 75 साल पूरे हो गए हैं, तो अब इसका कमेमोरेशन ईयर था, सब ने अपने अपने भाषण दिए, तो इसमें टू स्पीचेस बेसिकली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भाषणों के बारे में है कि दोनों के भाषण में क्या अंतर था। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने जहाँ पे फोकस किया इंडिया के रोल में ऑन द वर्ल्ड स्टेज, कि वर्ल्ड में इंडिया का क्या रोल रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन द यूएन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन द यूएन पीस कीपिंग मिशन, जो यूएन के पीस कीपिंग मिशन है उनमें इंडिया कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, एंड देर इज़ अ नीड फॉर मल्टीलेटरलिज्म, मतलब वर्ल्ड में एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि कोलैबोरेशन बना रहे, कोई एक कंट्री अपने बारे में बस ना सोचे, मल्टीलेटरलिज्म का इशू उन्होंने उठाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, देर इज़ द नीड ऑफ रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशन, बोथ इंटरनल रिफॉर्म्स एज वेल एज रिफॉर्म इन द UNGA वर्किंग ऑल्सो। तो उन्होंने ये भी कहा है कि बेसिकली एक तरीके से डिमांड की है अपने लिए किस चीज़ की, जो परमानेंट स्टेटस यानी P5 है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, और उसमें भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मल्टीलेटरलिज्म के युग में यही होगा ना कि कोई भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री के बारे में नहीं सोच रही है, जितनी कंट्रीज ऊपर बैठी हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में सोच नहीं रही, इसलिए रिफॉर्म करने की जरूरत है। वहीं पे अगर इमरान खान के स्पीच को देखे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने इंडिया के बारे में बुरा भला कहा है ना, और बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को गवर्नमेंट को कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सरशिप और इस्लामोफोबिया को वो करते हैं, नाजी पार्टी के उससे कंपेयर किया, देन डिटेंशन कैंप्स को नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप से कंपेयर करने लगे, ठीक है ना, एंड ही वॉज अटरिंग बैड वर्ड्स रिगार्डिंग कश्मीर एज वेल, कि वहाँ पे जीनोसाइड ये चीज़ें वो चीज़, एंड न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के नाम से उन्होंने कश्मीर को बोला। सो ऑल दीज थिंग्स वर डिक्टेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये डिफरेंस था दो स्पीचेस के बीच में, एक जो कि वर्ल्ड में पीस, वर्ल्ड में मल्टीलिटरिज्म और यूएन में इंडिया के रोल को बढ़ाने के लिए हमने उसको फोरम का यूज़ किया, वहीं पे पाकिस्तान ने फालतू की ब्लैबरिंग, माउथ ब्लैबरिंग के लिए इसको यूज़ किया, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, यूएन एंड द रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलिटरिज्म। ये जो आर्टिकल है रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलिटरिज्म, ये आर्टिकल लिखा गया है अभी 75th वही है यूनाइटेड नेशन कम्यूमरेटेड 75th एनिवर्सरी, एंड वहाँ पे डिक्लेरेशन लिया गया। इसमें अभी एक तो टाइम ऐसा चल रहा है कि वर्ल्ड का वर्स्ट रिसेशन चल रहा है आफ्टर 1930s, जो 1930s में रिसेशन चल रहा था उसके बाद का वर्ल्ड वर्स्ट रिसेशन चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि COVID-19 पैंडेमिक भी है ना, COVID-19 चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों इसको COVID-19 ने पैंडेमिक को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने फिफ्थ हॉर्समैन कहा है। अगर आप जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी उसको पढ़ेंगे तो उसमें जजमेंट डे का कंसेप्ट आता है, उसमें फोर हॉर्समैन का कंसेप्ट आता है, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ फोर हॉर्समैन जजमेंट डे और ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि फिफ्थ हॉर्समैन पैंडेमिक को कहा है, दिस इज द फिफ्थ हॉर्समैन एंड नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड अबाउट इट। तो इस कारण से SDGs लेट हो गए। उनका ये कहना था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो पाने के लिए अब कंट्रीज़ को और टाइम चाहिए होगा, क्योंकि अब तो पॉसिबल नहीं कि वो अपने, क्योंकि सब कुछ ऑफ ट्रैक हो गया, देर इज़ एवरीथिंग इज़ ऑफ ट्रैक नाउ, है ना। देन ऑथर ने कहा है इसको कि चैलेंजेस आर देयर फॉर मल्टीलेटरलिज्म। अब ये चैलेंजेस कहाँ से आ रहे हैं? ये चैलेंजेस डेवलपिंग कंट्रीज से नहीं आ रहे। देखो, ये चैलेंजेस आने किससे चाहिए थे? आने चाहिए थे वीक कंट्रीज से, आने चाहिए थे डेवलपिंग कंट्रीज से, लेकिन ये आयरनी है कि डेवलपिंग कंट्रीज से नहीं आ रही, ये डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहा है चैलेंज। सबसे पहले जैसे US से, US जैसी कंट्री बोल रही है कि अमेरिका फर्स्ट, जिसने कि खुद UN का निर्माण किया, जिसने खुद इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, सबसे बड़ा रोल प्ले किया मल्टीलेटरलिज्म का, वो आज कह रही है अमेरिका फर्स्ट। वो कह रहा है कि मेक्सिको के सामने हम वॉल बना देंगे, वो कह रहा है कि हम माइग्रेंट्स को नहीं आने देंगे, वो कह रहा है कि हम TPP का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो कह रहा है कि हम पेरिस क्लाइमेट डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो आप देखिए ना कि आप रिट्रीट कौन कर रहा है, रिट्रीट डेवलपिंग कंट्री नहीं कर रही, रिट्रीट कर रही US जैसी कंट्रीज, रिट्रीट कर रही हैं ब्रिटेन जैसी कंट्रीज, जो कि ब्रेग्जिट कर रही हैं, जो कि यूरोप को छोड़ रही हैं, जो कि इस तरीके से मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ाने के इंस्टीट्यूशन उनको छोड़ते जा रहे हैं। ये चीज़ बोली किसने? फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आप जैसे लोगों ने ही बनाई थी, और आज आप ही लोग सबसे बड़े
यूएस हट रहा है कि यूएस डोंट वांट टू बिकम द गारंटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो कि उसको बनना चाहिए था क्योंकि यूएन बनाने में सबसे बड़ा रोल उनका था. ही इज गोइंग फॉर द अमेरिका फर्स्ट एंड ऑल. देन उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो आगे आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरीके से वेस्ट को रिप्लेस करना चाहता है, यूएस को रिप्लेस करना चाहता है. और लेकिन चाइना भी तो वही कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इतने सारे एग्रीमेंट्स किए, लेकिन कोई भी मैकेनिज्म उसमें मल्टीलेटरल कंसल्टेशन का उसने नहीं रखा. इतना बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है लेकिन उस पर एक भी मैकेनिज्म मल्टीलेटरल डिस्कशन का उसने नहीं रखा है. तो कहां से फिर चाइना ये कोशिश कर रहा है? चाइना कहता है कि हम अपने कमिटमेंट को ऑनर करेंगे. देखो चाइना भी तो परमानेंट फाइव का मेंबर है, वो भी तो यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. वो कह रहा है हम $2 billion असिस्टेंस देंगे, बट दिस $2 billion हैज ऑलरेडी बीन प्रॉमिस्ड बाय इट, जो तो उसने पहले भी प्रॉमिस किया था. तो पैंडेमिक आने के बाद और आने के पहले, जिसमें उसका इतना बड़ा रोल है जो कि आया ही वुहान से था, उस पैंडेमिक में भी ये कह रहा है कि हम उतने देंगे. तो भैया इतने तो आपने पहले ही प्रॉमिस किए थे, सो व्हाट इज द न्यू थिंग यू आर डूइंग? आपने तो कुछ नया नहीं किया. फिर इसके बाद प्राइम जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन थे, उन्होंने ये भी कहा कि यूएस ने किस तरीके से विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना. और फिर उसके बाद टर्की की भी उन्होंने बात की कि टर्की जो है वो सीरिया में इंटरवीन कर रहा है, लीबिया में इंटरवीन कर रहा है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी इंटरवीन कर रहा है ना. इसके बाद अभी जो ग्रीस वाला कांड हो रहा था तो उसमें तो वो कर ही रहा है ना. देर वॉज अ टर्की सेंडिंग अ ड्रिलिंग शिप इन द ग्रीक एंड साइप्रस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो इनका भी रेफरेंस उन्होंने दिया कि ये क्या हो रहा है भाई, आप इतना इंटरवीन कर रहे हो, आपको यहाँ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन बढ़ाना था, वहाँ पे आप मल्टीलेटरल एंगर एंड मल्टीलेटरल जो डिसहारमनी है उसको प्रमोट कर रहे एक तरीके से. फिर जो टर्किश प्रेसिडेंट का लेक्चर था, वैसे तो वो पूरा इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा बेकार उनका भी भाषण था, लेकिन उन्होंने अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर का नाम ले लिया, है ना. तो जम्मू कश्मीर का नाम लेने से जब आप फेमस हो जाते हो तो आपने यही किया कि उसका नाम ले लिया और फालतू की बातें की वहाँ पे. तो ये सारी चौधर ने कहा कि यही सारे हैं जो कि दीज आर द थ्रेट्स टू द मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है ना. एंड यही सारी इस चीज़ को हमको रोकना है, हमको एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जहाँ पे सब लोग हारमनी से रहना हो, जहाँ पे सब लोग इस तरीके से रहना हो. फिर क्लाइमेट चेंज के भी बात ऑथर कहता है कि चाइना ने कहा कि 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे. उसके अलावा EU ने ये कहा है कि फिर प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने ये भी कहा कि ही इज डिटरमाइंड टू सी EU एग्री ऑन अ टारगेट ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050. EU 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बने, इसके लिए भी वो कोशिश करेंगे, एंड दिस इज़ अनदर गुड थिंग. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद के जो UN पीस कीपिंग मिशंस हैं उनके बारे में उन्होंने प्राउडली बताया, तो बहुत अच्छी बात थी. वो भी बहुत अच्छा था इंडिया की तरफ से, इंडिया को शोकेस करना ही था. एंड ही वॉन्टेड द रिफॉर्म्स इन UN. UN में रिफॉर्म्स की बात ज़रूर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच. एंड रिफॉर्म्स की जरूरत है ही. अब आप सबको पता है ना कि रिफॉर्म्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी ऑलरेडी, G4 एक ग्रुप है जिसमें कि आपका ब्राज़ील भी आता है, आपका जर्मनी भी आता है, आपका जापान आता है, आपका इंडिया आता है, ठीक है ना. इस तरीके से याद रखिएगा कि दीज आर द कंट्रीज इन द G4. ये एडिटोरियल था. एक एडिटोरियल है द मिसिंग पोस्ट वुमेन. अब ये आर्टिकल लिखा गया है बेसिकली पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में. क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कुछ लोग एम्प्लॉयड नहीं, जैसे कि वुमेन एम्प्लॉयड नहीं है, बहुत कम वुमेन एम्प्लॉयड है, स्पेशली हैंडीकैप्ड वुमेन या डिसेबल्ड वुमेन आपको बोलना चाहिए. तो दिस इज़ वेरी सैड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. ऑथर ने बस यही वाला इशू इसमें उठाया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अगर हम डेटा देखें तो लगभग 1.3 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं इन रूरल एरिया, इंक्लूडिंग द 24,000 सब पोस्ट ऑफिसेज भी हैं लोकेटेड इन द विलेजेस, जिसकी पॉपुलेशन 5,000 से 10,000 है. एंड यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पोस्ट वुमेन ऑन वन हैंड. सिंपल सी बात ऑथर ने कहा कि आप एक हाथ में गिन सकते हो कि कितनी वुमेन इन सारे 1.3 लाख पोस्ट ऑफिस रूरल इंडिया के, उसमें 24,000 सब पोस्ट ऑफिसेज जो कि लोकेटेड है 5,000 से 10,000 की पॉपुलेशन के बीच में, इन सब में इतनी वुमेन एम्प्लॉयड है केवल कि आप उनको उंगलियों में गिन सकते हो. दैट इज़ द थिंग. एंड इसमें भी एक भी वुमेन ऐसी नहीं है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हो, स्पेशली इन द रूरल एरियाज. तो दीज आर द इश्यूज विच हैज बीन रेज्ड बाय द ऑथर. ये किस तरीके से इंक्लूसिवनेस है, आपका कौन सा इंक्लूसिवनेस है, ठीक है ना. सो दैट इज द थिंग व्हाट ऑथर इज सेइंग फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. एंड ही इज मेकिंग बेसिकली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो मिनिस्टर हैं उनसे कि प्लीज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शुड इशू द ऑर्डर्स फॉर फिजिकली चैलेंज्ड वुमेन टू ऑपरेट द आधार एनरोलमेंट सेंटर्स. अपन आधार एनरोलमेंट सेंटर को में उनको काम करवा सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो. तो ये सारी चीज ऑथर ने यहां पे रिक्वेस्ट किया. दैट इज द थिंग दैट इज इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं.
ऑफसेट क्लॉज गोज फॉर आईजीए। अब देखो क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ऑफसेट क्लॉज रखती है। ऑफसेट क्लॉज मतलब कि अगर आपके साथ डील कर रहे हैं, मान लो 100 रुपये की डील हुई आपके साथ, उसमें 30% का ऑफसेट क्लॉज है, मतलब कि आप 100 रुपये हमसे लेंगे लेकिन उस 100 रुपये का 30 रुपये आप वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट कर देंगे, इंडिया में ही आप इन्वेस्ट कर देंगे टेक्नोलॉजी में या कहीं पर भी। अब ऑथर ने कहा कि भैया देखो, जो डसॉल्ट के साथ हमारा राफेल की डील हुई उसमें 50% ऑफसेट क्लॉज था, लेकिन डसॉल्ट ने अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है। डसॉल्ट एविएशन हैज़ नॉट गिवन एनी टेक्नोलॉजी टू द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, कुछ नहीं दिया है। तो ऑफसेट क्लॉज के देखो यहाँ लिखा भी, अंडर ऑफसेट क्लॉज द फॉरन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ देयर डील वैल्यू इन द कंट्री एंड दैट इज मेंट टू इम्प्रूव द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए उनको उस डील का थोड़ा सा हिस्सा ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर ये चीज़ अब हटा दी गई है, अब इसको इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स के लिए ऑफसेट क्लॉज अब नहीं रहेगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, सिंस देयर फॉर ऑफसेट क्लॉज विल नॉट बी देयर। इसके अलावा इन्होंने ये भी किया है कि आफ्टर सेल, जो आफ्टर सेल सपोर्ट है, एक नया प्रपोज चेंज इन्होंने ये भी किया कि आफ्टर सेल जो सपोर्ट है, तो आपको ये तो पता है ना कि ये चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का एक नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आया है। एक्विजिशन प्रोसीजर का मतलब क्या है कि किस तरीके से डिफेंस की चीज़ें हम डिफेंस की चीज़ों का एक्विजिशन किस तरीके से करेंगे, उसके प्रोसीजर 2020 नया रिलीज़ किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। याद रखिएगा एक्विजिशन के लिए हमारे एक प्रॉपर काउंसिल है जिसको हम बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसको हेड कौन करता है, इसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। तो इसी डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 में एक नया चेंज ये भी आया है कि जो आफ्टर सेल सपोर्ट होगा, जो कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे उसमें आफ्टर सेल सपोर्ट को उसका हिस्सा बनाया जाएगा, मतलब बेचने के बाद उसका सपोर्ट, देन हायर इंडिजिनस कंटेंट इन एक्विजिशन, जो इंडिजिनस कंटेंट है ज़्यादा रहे जिसमें उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक नई कैटेगरी लीजिंग कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे जो नॉन वॉरफेयर की चीज़ें रहेंगी डिफेंस की, नॉन वॉरफेयर वाली, जैसे जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो सकता है या ट्रेनर सिमुलेटर्स इन सब का जो यूज़ हो सकता है, तो नॉन वॉरफेयर के अलावा जो भी चीज़ है उनके लिए लीजिंग ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कि खरीदना ना पड़े आपको, आप रेंट में ले लो, लीज कर लो उस चीज़ को 10 साल के लिए, 5 साल के लिए रेंटल ऑप्शन रहेगा, तो आपको एक साथ पूरा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और आप क्या कर सकते हो, बहुत ईजिली उसको यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है ना। DAC आपको मैंने बता दिया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसको हेड कौन करता है, इसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, और इन्होंने अभी अप्रूव किया है SIG 716 असॉल्ट राइफल्स फॉर द आर्मी एंड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स फॉर द नेवी एंड एयरफोर्स। तो याद देखिए SIG 716 जो है ना, ये SIG SOR नाम की कंपनी है, SIG SOR ये कहाँ की कंपनी है, ये आपकी USA की कंपनी है, तो याद रखिएगा कि USA की कंपनी है SIG SOR, वहाँ से ये लिया है SIG 716 असॉल्ट राइफल्स, याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फॉर द नेवी एंड एयरफोर्स भी लिया है, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आर्मेनिया अजरबैजान क्लैशेस, तो ये सेकंड डे इंटर कर गया है अजरबैजान, ये मैंने आपको बता दिया नगोर्नो काराबाख रीजन। अब सिंपल से यहाँ पे देख लो, ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है, इस डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम अजरबैजान आफ्टर अ वॉर इन 1990s, और 1990s में इन्होंने इंडिपेंडेंस खुद ही डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन इंटरनेशनली इसको नहीं माना जाता, इसीलिए डिस्प्यूट है कि इन्होंने खुद से डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन ये डिस्प्यूट अभी भी है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको नहीं मानती है कि ये मतलब कि ये मतलब इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।